हेलो गाइस, मम्मी ने शुरू मम्मी वहाँ पर चढ़ चुकी है। आराम से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी बज गए 10:30, क्योंकि आज छुट्टी है ना बच्चों की, तो आराम से सो के उठे। तो जिस दिन बच्चों की ना छुट्टी होती है उस दिन मैं आराम से उठती हूँ, और दिन 5 या 5:30 बजे उठना पड़ता है। मैं माई को भेज दिया दुकान मैगी लेने के लिए। बच्चे कह रहे हैं आज उनको मैगी खानी है, और मैं बनाऊंगी अपने लिए अंडा मैगी। और सेकेंड आज करनी हमने दिवाली की सफाई, क्योंकि दिवाली 2 दिन बाद दिवाली है, तो आज पूरा दिन जाने वाला साफ सफाई में। और शाम को हमको रात में फोन आ गया था, और शाम को जाना है हमने कथा में दीदी के यहाँ जहाँ शादी हुई थी। लेके आ गई मैं कि बच्चों का भी ठाड़ है, जब अकेले रहते तो अपनी डिमांड करते रहते हैं। तो लेके आ गई अंडे, क्योंकि मैं बनाऊंगी अपने लिए अंडा मैगी, बच्चे सिंपल मैगी खाएंगे। ये बराबर है दोनों भाई, इनकी यही लड़ाई होती है इसमें, जब बराबर है दोनों, मैंने बराबर डाला, इनका यही पंगा है भाई। ये मतलब हर दूसरे की प्लेट में ज़्यादा दिखता है। चल लीजिए पहले प्लेट रख के हो जाओ, और यहाँ बनेगी अंडा मैगी। तो ये देखो, यहाँ विवान को प्लेट चाट चाट के खा रहा, और मेरा ये बन गया भाई इतना बड़ा। मैंने इसमें वेजिटेबल भी डाली, हरी सब्जियाँ और धनिया। तो ये बन गया मेरा अंडा मैगी ऑमलेट टाइप। बिल्कुल तैयार हो गई सफाई करने के लिए, और सर बांध दिया क्योंकि मुझे ना आज बाल नहीं धुलने। तो आगे क्या, सोफे बेड ये सब, और अंदर के कमरे का बेड तो नहीं हटा पाऊँगी मैं क्योंकि बहुत भारी है। अलमारियों की सफाई भी मैंने कर दी, इनके ऊपर जो हाइड्रोलिक है अंदर इनकी भी हो गई, अलमारियाँ भी हटेंगी और बेड नहीं हटा पाऊंगी। ये सब सारा हटेगा और ये सफाई होगी। तो देखो टाइम, साफ करने में ना मेरे को पूरे 1 घंटे लग चुके हैं, क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं, हाथ में दर्द हो रहा, गर्दन में दर्द हो रहा, तो आराम आराम से। और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि हस्बैंड से करवा लेते हो तो खूब लंबे हैं, बस एक वो दीवान पे खड़े होकर साफ कर लेते, लेकिन मेरे से तो नहीं हो रहा। फिर भी मैंने साफ कर दिया। जब आगे मेरा व्हाइट कलर का पंखा इतना गंदा हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल साफ हो गया, देख रहे कितना सारा काला काला कचरा निकला। तो अब फैन चल नहीं रहे, बंद हैं फैन, तो उस वजह से अब साफ़ सफाई कर दी। अब ये इधर देखो फैला हुआ, रोज़ सफाई करते हैं ना, फिर भी देख रहे हो कितना कूड़ा निकल रहा है। हेलो गाइस, मम्मी ने शुरू मम्मी वहाँ पर चढ़ चुकी है, तो मेरी सफाई यहाँ पे भी साफ हो गई। तो एक दिवाली की सफाई होती है भाई, तो बिल्कुल ऐसी साफ होती है। तो ऊपर चढ़ने का तो चढ़ गए, लेकिन नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल है ना? तो से बस भाई 2 बज चुके हैं डिटेली। तो अभी सिर्फ बाहर हुआ है साफ अच्छे से, पाइप लगा के खिड़कियां धुली गई, और किचन आज नहीं, किचन कल करूंगी। बाहर का कमरा पूरा अच्छे से धुल के, पाइप लगा के धुलाई करी, अब अंदर नीचे उतर गई मैं। ऊपर मेरे पंखे वंखे साफ हो चुके हैं, अब यहाँ साफ करना है। तो अभी खाना भी नहीं बना, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो वरना लाइट ही नहीं, लाइट जा रखी है, 2 घंटे हो गए लाइट जाके। तो मैंने पहले स्टडी टेबल लगाया था, बेड से स्टडी टेबल पे चढ़ी, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ गई, पंखा भी साफ़ हो गया, ऊपर से अलमारियाँ भी साफ़ हो गई। तो बस अभी यहाँ की सफाई हो रही है। फाइनली गाइस, मतलब 4 बजे काम निपटा, पूरे घर की साफ सफाई, किचन छोड़ के पूरा, मतलब आज गेट भी धुला, सब कुछ धुला। तो तब तक भाई भी आ गया, खाना भाई ने बनाया डायरेक्ट, मैंने कहा पुलाव बनाया यार, नहीं तो आज हम भूखे रह जाते। तो अब जल्दी से जा रही हूँ नहाने, और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद हमने कहीं जाना है पूजा में। भाई ये पूरा गेट भी धुला, पूरा इधर भी पूरी धुलाई करी, दरवाजे दरवाजे देखो चमक रहे, ऐसी धूल चमक रही थी ना इन पे, और ये सारे दरवाजे धुलाई करी आज, ये देखो बिल्कुल साफ सफाई, अंदर की भी बहुत साफ सफाई हो चुकी है, बिल्कुल चकाचक हो गया मेरा घर। चादर बिछा, डबल डबलिंग करके कर उसको, डबल कर कर कर, वो देखो बज गई 4, अब जा रही हूँ नहाने। हो गए 5:30, टाइम हो चुका है, आराम भी नहीं करा बिल्कुल। मैंने कहा पहले घूम के आ जाते हैं, दीदी के यहाँ कथा है, तो कथा शुरू हो जाएगी 6 बजे से, और फिर हम लोग रात में ही आ पाएंगे घर,
और घर पे भाई है तो बस अभी निकल रहे हैं, रेडी होके बाहर दोनों के दोनों। दूसरा कहाँ है? तो जी हम निकल चुके हैं सबके सब, है ना? हाँ बाइक में बैठ के चले। हाँ चल स्कूटी लेके चले, चल बोल रहा ऑटो रिक्शा से चला। हम ना पैदल जा रहे हैं क्योंकि स्कूटी लेके नहीं जा रही हूँ, रात हो जाएगी तो रात में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होती है एकदम से लाइट जब मुंह पे चमकती है ना। पहुँच गए यहाँ तो अभी लड़ियाँ ही लग रही है। रुक, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। सबको प्रसाद मिल रहा, बारी बारी पंडित जी दे रहे हैं। हाँ देखो लेडीजें बेचारी सबसे पहले कुछ भी हो किचन में लग जाती हैं सब खाने के लिए। अब यहाँ देखो सबके सब, ये हैं बहू हैं, ये हमारी नई बहू, जरा इधर मुड़ भाई, हमारे भांजी की बहू नई बहू वो भी किचन में लगी हैं, दीदी सब लगे हुए हैं। छोटी सास है ये, हम मेरी तो दीदी है, मैं छोटी सास है। हाँ भाई हाँ, ये देखो सबके सब लगे हुए हैं भाई किचन में, और जेंट्सों का काम है बेचारों का खाना, लेडीज का काम है बनाना। घर अब 10:30 चुके हैं, चलो चलते हैं घर, 10:30 तो बजी गए। पहुंच चुके हैं घर, भांजा छोड़ने आया था तो ना टाइम ना 11 बज चुके हैं, और बस इस ब्लॉग एंड भी कर देते हैं यहीं पे। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल पे जो खास करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।